So another question from JEE Mains 2019. तो 2019 का एक और क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं. तो ये क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा नया चीज आपको मिलेगा. तो इस क्वेश्चन में क्या था कि लेट एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, ए ग्रेटर देन जीरो, बी रिटन एज एफ एक्स इक्वल टू एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स, वेयर एफ वन एक्स इज एन इवन फंक्शन एंड एफ टू एक्स इज एन ऑड फंक्शन. मतलब एफ एक्स इक्वल टू ए टू पावर एक्स आपको दिया हुआ है, ए ग्रेटर देन जीरो, ए टू द पावर एक्स अगर लिखा रहता है तो ए ग्रेटर देन जीरो देना जरूरी है, नहीं तो वो फंक्शन नहीं होगा और ये डिफाइन नहीं होगा. तो इसको देख के डोंट कंफ्यूज, ये रहेगा उसके साथ में. सो दैट्स नॉट ए समथिंग विच वी शुड लुक, हमको देखने का जरूरत नहीं है. तो अगर ये एफ एक्स फॉर्म ऐसे लिखे एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स, अब एफ वन मतलब एफ एक्स को ऐसे दो फंक्शन में ब्रेक करना है. तो ये दो फंक्शन में ब्रेक किया और एक एफ वन एक्स एक एफ टू एक्स, तो एफ वन एक्स एक इवन फंक्शन है, एफ टू एक्स एक ऑड फंक्शन है. तो ये सिर्फ इंफॉर्मेशन हमको दिया है कि एफ एक्स को हमको दो फंक्शन में ब्रेक करना है. जैसे इसमें एफ वन एक्स एक इवन फंक्शन होगा, एफ टू एक्स एक ऑड फंक्शन होगा. देन इसका वैल्यू निकालने के लिए बोला है एफ वन एक्स प्लस वाई प्लस एफ वन एक्स माइनस वाई. तो ये फंक्शन में सबसे पहले आपको पता करना होगा कि इवन फंक्शन किसे कहते हैं, ऑड फंक्शन किसे कहते हैं. तो इवन फंक्शन कहते हैं जहां यहां पे एफ वन एक्स इवन है. सो एफ वन ऑफ माइनस एक्स करके अगर मुझे फिर एफ वन ऑफ एक्स मिला तो उसको हम लोग इवन फंक्शन बोलते हैं. और ऑड फंक्शन एफ वन ऑफ माइनस एक्स, यहां एफ वन नहीं होगा यहां एफ टू होगा, इक्वल टू माइनस, अगर माइनस बाहर आ जाए तो ये हो गया ऑड फंक्शन, और माइनस अगर गायब हो जाए डिसअपीयर माइनस साइन, सो दैट इज नोन एज इवन फंक्शन. तो ये इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन का डेफिनेशन है. तो ये हमको ख्याल में रखना होगा. तो हमको अभी क्वेश्चन में पूछा है एफ वन एक्स प्लस वाई एफ वन एक्स माइनस वाई, मतलब एफ वन जानना हमारे लिए जरूरी है. जब तक एफ वन नहीं मिलेगा तब तक हम लोग आगे नहीं जा सकते. रहा सवाल एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो वो हमारे लिए टेंशन का कारण नहीं है. एफ वन एक्स निकल जाएगा तो एफ वन एक्स प्लस वाई या एफ वन एक्स माइनस वाई इजिली निकल जाएगा. सो डोंट वरी अबाउट इट. तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले एफ वन निकालना होगा. गिवन एफ एक्स इक्वल टू एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में. अब मैं क्या कर रहा हूं, ये एफ टू एक्स को मैं यहां लेके आ रहा हूं और सेम टाइम में ये एफ एक्स का वैल्यू क्या है, एफ एक्स का वैल्यू है ए टू पावर एक्स. सो एक स्टेप में लिख लेता हूं एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स. अभी मैं इसको एफ टू एक्स को इस तरफ लेके जाता हूं, तो ये हो गया ए एक्स माइनस एफ टू एक्स इज इक्वल टू एफ वन एक्स. तो ये मैंने लिख दिया. अभी यहां पे एक और चीज का हमको ख्याल रखना है. क्या ख्याल रखना है कि हमको क्वेश्चन में इवन ऑड के बारे में बताया गया है, तो इसका मतलब यहां पे इवन ऑड का कोई फॉर्मूला मेरे को यूज करना है. एफ वन एफ टू में इवन ऑड का ये फॉर्मूला यूज करना है. तो हम लोग क्या करेंगे, इसे इक्वेशन वन मान के चलते हैं. उसके बाद में रिप्लेसिंग
by minus x inverse. मतलब यहां पे x लिखा हुआ है वहां सभी में मेरे को माइनस एक्स लिखना है. तो ये मेरा हो गया ए टू दी पावर माइनस एक्स माइनस एफ टू ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ वन ऑफ माइनस एक्स. मैंने किया क्या है, यहां पे जितने भी x है उसकी जगह माइनस एक्स लिखा है. अभी ये दो का ये दो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे. तो f2 टू ऑफ माइनस एक्स मतलब है माइनस ऑफ f2x. टू एक्स तो ये मेरा हो गया ए टू पावर माइनस एक्स माइनस f2 टू ऑफ माइनस एक्स मतलब माइनस f2x. इक्वल टू एफ वन ऑफ माइनस एक्स क्या है, एफ वन ऑफ माइनस एक्स है एफ वन एक्स. तो यहां माइनस हमको हटा देना है. तो ये मुझे मिल गया ए टू पावर माइनस एक्स प्लस एफ टू एक्स इक्वल टू एफ वन एक्स. तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, इस वाले इक्वेशन से मैं एफ टू एक्स का वैल्यू निकाल लेता हूं. तो यहां से मैं लिख सकता हूं ए टू पावर एक्स माइनस एफ वन एक्स इज इक्वल टू एफ टू एक्स. और ये वैल्यू मैं यहां पे बिठा देता हूं, एफ टू एक्स की जगह ये वैल्यू. तो मेरा हो जाएगा ए टू की पावर माइनस एक्स माइनस नहीं ए टू पावर माइनस एक्स प्लस ये एफ टू एक्स की जगह मैं लिख रहा हूं ए एक्स माइनस एफ वन एक्स ए एक्स माइनस एफ वन एक्स इज इक्वल टू एफ वन एक्स. ये मैं लिख सकता हूं ए टू द पावर माइनस एक्स प्लस ए टू द पावर एक्स ये एफ वन एक्स को मैं यहां लेके चला गया. तो मेरा हो गया टू एफ वन एक्स. क्यों हुआ ये एफ वन एक्स, ये माइनस वाला यहां गया प्लस एफ वन एक्स. सो एफ वन एक्स प्लस एफ वन एक्स इक्वल टू ट्वाइस एफ वन एक्स. और ये 2 को हम लोग यहां पे नीचे लेके आएंगे. सो ए टू पावर माइनस एक्स प्लस ए टू पावर एक्स डिवाइड बाय 2 इक्वल टू एफ वन एक्स. उसके बाद में मुझे निकालना है एफ वन एक्स प्लस वाई और एफ वन एक्स माइनस वाई का वैल्यू. तो मैं ये रब कर रहा हूं तो इसका वैल्यू हो गया एफ वन एक्स प्लस वाई. तो एफ वन एक्स का वैल्यू मिल गया, एफ वन एक्स प्लस वाई का वैल्यू जानने के लिए यहां जहां जहां एक्स है वहां वहां एक्स प्लस वाई लिखना है. तो ये मेरा होगा ए माइनस एक्स प्लस वाई प्लस ए यहां पे भी इस एक्स की जगह मैंने लिखा है एक्स प्लस वाई, इस एक्स की जगह पे मैं लिखूंगा एक्स प्लस वाई बाय टू प्लस एफ वन एक्स माइनस वाई. तो यहां एक्स है तो यहां एक्स की जगह एक्स माइनस वाई लिखना है मेरे को. ए टू पावर माइनस ये एक्स की जगह मैं लिखूंगा एक्स माइनस वाई. तो हमेशा हमको यही टेक्निक यूज करना है. तो अब क्या करेंगे, इसको खोलेंगे ए टू पावर माइनस एक्स
इंटू ए टू पावर माइनस वाई, प्लस साइन होने से हम लोग मल्टीप्लीकेशन लिखते हैं, तो ये माइनस एक्स माइनस वाई ये मल्टीप्लीकेशन हुआ, प्लस इसको भी ब्रेक कर लिया ए टू पावर एक्स ए टू पावर वाई प्लस ए होल डिवाइडेड बाय दोनों के नीचे टू है तो टू, ये मेरा बन गया ए टू पावर माइनस एक्स इंटू ए टू दावर वाई प्लस ये भी मैंने खोल दिया ए टू पावर एक्स इंटू ए टू दावर माइनस वाई। अभी ये दो टर्म आप देखिए, एक ये वाला एक ये वाला, इन दोनों से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, मैं कॉमन ले सकता हूं ए टू पावर एक्स, तो क्या बच जाएगा ए टू पावर वाई प्लस ए टू पावर माइनस वाई। और ये दो टर्म देखिए, ये एक और ये एक, इन दोनों से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं प्लस ए टू पावर माइनस एक्स, मेरा बच जाएगा ए टू पावर माइनस वाई प्लस ए टू दी पावर वाई। अभी दोनों के अंदर ये जो पार्ट है एक ही है, तो ये मैं कॉमन ले लिया ए टू पावर वाई प्लस ए टू पावर माइनस वाई मैंने कॉमन लिया, और ये वाला यहां पे ये कॉमन लेने से यहां से बच जाएगा ए टू पावर एक्स प्लस ए टू पावर माइनस एक्स। डिवाइडेड बाय टू। अभी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एफ वन एक्स का ये वाला हिस्सा देखिए, ये इसके ऐसा मिल रहा है अप्रोक्सीमेट, ये इक्वल टू मेरा हो गया, ये मैंने लिख दिया ए टू पावर एक्स प्लस ए टू पावर माइनस एक्स बाय टू, और यहां मेरा बच गया ए टू पावर वाई प्लस ए टू पावर माइनस वाई। तो अगर मैं इसके जैसा बनाना चाहूं तो मुझे नीचे टू जरूरत है, यहां पे मैंने एक टू दे दिया, तो उस टू को हटाने के लिए यहां मैंने एक टू दिया। तो अगर ये एफ वन एक्स हुआ, ऐसा अगर हुआ तो ये एफ वन एक्स होता है, तो उस हिसाब से ये क्या होगा एफ वन वाई, और ये क्या होगा एफ वन एक्स, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। और ये इस क्वेश्चन में आपका था कौन सा वाला, ऑप्शन ए, तो ये करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। तो ये था इसका टेक्निक। उसके बाद में मैं एक और क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। सो 2019 का एक और क्वेश्चन, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग वन माइनस एक्स बाय वन प्लस एक्स मोडलस एक्स लेस देन वन देन एफ ऑफ टू एक्स बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चंस आपने देखे इससे पहले में भी, तो ये बहुत सिंपल है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत कॉमन है। तो ये एफ एक्स इक्वल टू ऐसे मेरे को लिखा हुआ है मोडलस एक्स लेस देन वन, तो क्वेश्चन है मोडलस एक्स लेस देन वन हमको उसके बारे में क्या ख्याल रखना है या उसका जरूरत क्या है। तो ये मैं आपको बता दूं कि लॉग वन प्लस एक्स या लॉग वन माइनस एक्स का जो फॉर्मूला है इज एप्लीकेबल इफ मोडलस एक्स लेस देन वन, मतलब ये फॉर्मूला तभी अप्लाई कर सकते हैं हम लोग जब वो एक्स जो है ना वो लेस देन वन हो, तो तभी उसका एक्सपेंशन हो सकता है। इसी वजह से ये जो आपको दिया है ना इट डजंट मैटर, तो ये आपको मोडलस एक्स लेस देन वन दिया हुआ है तो ये आपका फंक्शन डिफाइन के लिए दिया हुआ है, तो उससे आपको कोई टेंशन नहीं है, आपको एफ ऑफ टू एक्स बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर निकालना है। तो एफ एक्स आपको दिया हुआ है लॉग बेस ई नेचुरल लॉगरिथम वन माइनस एक्स बाय वन प्लस एक्स,
मुझे निकालना है एफ ऑफ टू एक्स बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या करना है यहां जहां x है उसकी जगह क्या लिखना है, ये पूरा लिखना है, तो मतलब log बेस e वन माइनस और यहां है वन प्लस, ये जो x है x की जगह ये पूरा टर्म लिखना है, मतलब ये होगा मेरा टू एक्स बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, किसकी जगह ए एक्स की जगह ये पूरा, ठीक वैसे इस x की जगह ये पूरा आएगा, इसके बाद में हम लोग एलसीएम लेंगे वन प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम, यहां मेरा होगा वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और नीचे भी एलसीएम होगा वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये मेरा होगा वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, दोनों के नीचे का वन प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल इज इक्वल टू लॉग बेस ई वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, किसका फॉर्मूला है वन माइनस एक्स होल स्क्वायर का, वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स किसका फॉर्मूला है वन प्लस एक्स होल स्क्वायर का, दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो मैं लिख सकता हूं लॉग बेस ई वन माइनस एक्स बाय वन प्लस एक्स होल स्क्वायर, अभी लॉग एम टू द पावर एन अगर ऐसे पावर होता है तो पावर क्या करते हैं हम लोग आगे लेके आते हैं टू, ये पावर आगे आ गया लॉग वन माइनस एक्स बाय वन प्लस एक्स इक्वल टू टू, ये फंक्शन हमको दिया हुआ है एफ एक्स, सो टू एफ ऑफ एक्स, ये है हमारा करेक्ट आंसर नंबर ए, तो ये हो गया हम लोग का आंसर, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दीजिएगा, मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है वो मेरे बाकी जो लास्ट 10-12 इयर्स के JEE मेंस के रिलेशन फंक्शन चैप्टर के क्वेश्चंस सब कंपाइल करके मैं यहां आपको सॉल्व करके दूंगा, सो आई विल ट्राई दैट एवरी क्वेश्चन इज कवर्ड, अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट मी, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।